भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान आज हनुमानगढ़ जिले के एक गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पायलट को हल्की चोटें आई हैं। दुर्घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुड़ गई है। वहीं भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी बनाई है। भारतीय वायुसेना की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि हादसे में कम से कम 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग घायल हैं और विमान के पायलट सुरक्षित हैं। वहीं हनुमानगढ़ की जिलाधिकारी रुक्मणि रियार ने बताया कि भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पायलट सुरक्षित है।